दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महादेव त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं और यही वजह है कि महादेव को देवाधिदेव भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु के अलावा सभी देवी देवतागण उन्हें अपना आराध्य मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। परंतु दर्शकों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठा है कि देवों के देव महादेव, जो हमेशा कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहते हैं, वास्तव में वो किसका ध्यान करते हैं? अगर हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका फिर से स्वागत है। दर्शकों, आपने देखा होगा कि भगवान महादेव अक्सर समाधि में ही लीन रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि उस वक्त वो अपने आराध्य देव का ध्यान करते हैं, जिसका वर्णन पद्म पुराण के उत्तराखंड में किया गया है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि प्रभु, कृपया करके ये बताइए कि आप जब भी समाधि में लीन रहते हैं तो आप किसका ध्यान करते हैं? तब महादेव जी ने कहा कि देवेश्वरी, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जल्द दूंगा। फिर कुछ दिन के बाद महादेव जी बुद्ध कौशिक ऋषि के स्वप्न में आए और उन्होंने ऋषि को आदेश दिया कि तुम राम रक्षा स्त्रोत लिखो। परंतु ऋषि कौशिक ने बड़ी ही विनम्रता से स्वप्न में ही भगवान महादेव जी से कहा कि प्रभु, मैं राम रक्षा स्त्रोत लिखने में असमर्थ हूँ। तब भगवान महादेव ने स्वप्न में ही पूरा का पूरा राम रक्षा स्त्रोत कह सुनाया। फिर अगले दिन बुद्ध कौशिक ऋषि ने उसको लिख दिया। उसके बाद भगवान महादेव ने माता गौरी से कहा कि हे देवी, मैं हमेशा राम नाम का स्मरण करता हूँ। यह सुन माता गौरी ने फिर महादेव जी से पूछा कि हे स्वामी, श्री राम तो विष्णु जी के अवतार हैं, फिर आप विष्णु जी का स्मरण ना कर श्री राम के नाम का स्मरण क्यों करते हैं? तब भगवान महादेव ने कहा कि हे देवी, मैं नाम का स्मरण इसलिए करता हूँ क्योंकि जैसे प्यासा मनुष्य बड़ी व्याकुलता के साथ पानी को याद करता है, उसी प्रकार मैं भी आकुल होकर श्री विष्णु जी के साक्षात्कार स्वरूप का ही स्मरण करता हूँ। जिस प्रकार सर्दी का सताया हुआ संसार अग्नि का स्मरण करता है, वैसे ही देवता, पितर, ऋषि और मनुष्य निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते रहते हैं। जैसे पवित्रता नारी सदा पति को याद किया करती है, भय से आतुर मनुष्य किसी निर्भय आश्रय को खोजता फिरता है, धन का लोभी जैसे धन का चिंतन करता है और पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य जैसे पुत्र के लिए ललायत रहता है, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु जी के राम स्वरूप का स्मरण करता हूँ। क्योंकि पूर्व काल में भगवान विष्णु द्वारा निर्मित संपूर्ण जगत कर्म के अधीन है और वह कर्म श्री केशव के अधीन है। श्री राम नाम के जप से उसका नाश होता है। इतना ही नहीं, राम नाम विष्णु जी के सहस्त्र नाम के बराबर है, इसलिए मैं हमेशा राम नाम का रमण करता हूँ। परंतु दोस्तों, यह एक अद्भुत संयोग ही है कि भगवान राम स्वयं भगवान शिव की आराधना करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि हर जगह जहाँ भी राम का मंदिर होता है, वहाँ शिव की शिवलिंग अवश्य होगी। वह कभी भी शिव का स्मरण किए बिना कोई भी कार्य नहीं करते और वहीं भगवान शिव राम का स्मरण करते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि भगवान महादेव किसका ध्यान करते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।